और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कड़कड़ डूमा की। देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है। 1:50 पर ये आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन आग कितनी भीषण है धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी इमारत और उसके ऊपर वाले हिस्से में ये भीषण आग, और आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। पानी के जरिए फायर ब्रिगेड की तरफ से इस आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। आपको यह भी बता दें तकरीबन 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बेहद भीषण है। 7 दमकल कर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं जो आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक इस हादसे के बीच किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह भीषण आग लगी है। आग इतनी भीषण है कि 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की, और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक भी आग काबू करने में दमकल कर्मियों को सफलता हाथ नहीं लगी है। तकरीबन 60 दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली सेवा महानिदेशालय का दफ्तर है, दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का दफ्तर है जहां पर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या इस आग के बीच उन डॉक्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान हुआ है यह जांच का विषय है। आग कैसे लगी यह अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन बेहद भीषण ये आग जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, तकरीबन 60 दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू कर लिया जाए। महत्वपूर्ण इसलिए भी है जल्द से जल्द आग को काबू करना क्योंकि ये दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का दफ्तर है जहां पर यह आग लगी है, और इस वक्त CPRO अतुल गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल जी कैसे लगी आग? अभी आग कैसे लगी इन कारणों का नहीं पता चल पाया है जी। ये आग हमें जो कॉल मिली थी 13:50 में मिली थी, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग थी जी। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने तुरंत स्काई लैडर और वगैरह करके करीब 6 गाड़ियां भेज दी थी। बाद में भी वहाँ पे जो हमारा अफसर था उसने बताया कि आग थोड़ा बड़ी है, उसको और जो है गाड़ियों और अफसर की जरूरत है। टोटल हमने जो है 22 गाड़ियां करीब भेज दी है, 60 से ज्यादा आदमी वहाँ काम पे लगे हुए हैं। आग 6 फ्लोर पे जो है शुरू हुई थी जी। अभी कितने फ्लोर चपेट में है आग के? नहीं अभी 6 फ्लोर पे लगी हुई है आग। अभी ये नहीं मतलब ऊपर नहीं गई है ना नीचे आई है, अभी आग को हमने कंट्रोल में किया हुआ है और अभी बढ़ने की संभावना भी नहीं है क्योंकि हमने करीब 60 से आदमी लगाए हुए हैं वहाँ पे, हमारी दो ब्रांचों भी काम कर रही है। तो अभी अब आग का ऐसा मेरे को लगता है कि अब आग नहीं बढ़ेगी। अब यानी 60 दमकल कर्मी 22 गाड़ियां मौके पर हैं, बेहद भीषण ये आग है, कितनी देर और लगेगी आग बुझाने में? अभी ये नहीं बता सकते मैडम कि कितना टाइम लगेगा। जब भी आग लगी थी तो क्या लोग भी दफ्तर के भीतर मौजूद थे अतुल जी? जी देखिए दफ्तर था, आग लगी थी तो लोग थे, पर लोग हमारे उससे जब हम पहुंचे तो वो निकल गए थे सेफली, मतलब उस टाइम निकल चुके थे। अभी ये नहीं पता चला कोई ट्रैप है नहीं है, अभी सर्च बाद में होगी क्योंकि अभी आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। तो बुझ जाएगी उसके बाद हेड काउंट होगा तो उसके बाद पता चलेगा, बट अभी वैसे कोई रिपोर्टेड नहीं है, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि कोई आदमी फंसा हुआ है अंदर। चलिए शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फायर सर्विस के CPRO अतुल गर्ग हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितनी और देर लगेगी आग को बुझाने में। हमारे संवाददाता आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद अभी फायर सर्विस के CPRO भी हमारे साथ जुड़े, कह रहे हैं कि अभी अनुमान नहीं है कि कितना वक्त और लगेगा, यानी आग बेहद ज्यादा भीषण है। सोचिए 60 दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश करें लेकिन कितनी देर लगेगी उसका अंदाजा नहीं। जो लोकल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, अपने अफसर उनको मौके पे भेजा है, और जो इसमें एक बड़ी राहत की बात है कि जो फायर की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा होते हैं क्योंकि काफी लोग दफ्तर के अंदर कुछ जो CPRO में बता रहे हैं, अगर समय रहते इस आग पर काबू ना पाया जाता है लोगों तो काफी लोग इसमें फंसे होते जी। काफी चीज होती है तो काफी बड़ा। आनंद लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें एक बार फिर दिखा दें। ये दिल्ली का कड़कड़डूमा इलाका जहां पर मौजूद है दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का ऑफिस, और वहां ये भीषण आग लगी है। 1:50 पर ये आग
लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि तकरीबन 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अभी CPRO फायर सर्विस के अतुल गर्ग भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे ही सूचना मिली फौरन मौके पर दमकल गाड़ियां भेजी गई, कोशिश की गई कि जल्द से जल्द आग को बुझा लिया जाए, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ये छठा फ्लोर है जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हालांकि वक्त पर पहुंच गई, जिसके चलते ना तो आग ऊपर वाले फ्लोर तक अभी पहुंची और ना ही नीचे तक पहुंचने दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग को काबू किया जाए। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी है भीषण आग। एक तस्वीर आप देख रहे हैं आग की ऊंची ऊंची लपटें और दूसरी तरफ तस्वीर है धुएं का गुब्बार, जो बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भीषण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता आनंद लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आनंद, जब ये आग लगी कितने लोग मौजूद थे, अब इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है और क्या अब अनुमान लग पा रहा है, अंदाजा लग पा रहा है कि कितनी देर और लगेगी आग को बुझाने में? जी देखिए, बिल्कुल रोज की तरह यहाँ पे इस दफ्तर में काम हो रहा था, काफी लोग यहाँ पर अंदर मौजूद थे और जब धुआं उठता देखा तो जो कुछ कर्मचारी थे उन्होंने अपने स्टाफ को इस बारे में बताया और उसके बाद जो दमकल विभाग है उसको इस घटना की जानकारी दी गई। करीबन 50 से 60 लोग थे, जैसा कि जो CPRO है उन्होंने ही बताया है कि उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया था। जैसे ही धुआं उठा उसके बाद कई लोग आनन फानन में यहाँ से खुद ही दफ्तर को छोड़ दिए थे और जब आग की लपटें तेज हुई तो कई लोगों को यहाँ से मैसेज देके बाहर निकाला गया है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई है। पहली प्राथमिकता फायर विभाग की ये है कि पूरी तरह से आग को बुझा लिया जाए और उसके बाद जो कूलिंग सिस्टम है उसको किया जाए, उसके बाद जब पूरी तरह से आग बुझ जाएगी उसके बाद आग के कारणों का पता लगाया जाएगा कि किन वजह से ये आग लगी, क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि काफी जिस जगह पे आग लगी आप देख सकते हैं काफी AC जो है वो वहां पर लगे हुए हैं, तो एक वजह ये भी बताई जा रही है कि हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि किस तरह की नेग्लिजेंसी हुई है, क्या यहाँ पे फायर सेफ्टी के इंतजाम थे या नहीं थे, क्योंकि काफी बड़ा स्वास्थ्य विभाग का ये दफ्तर है और काफी अधिकारी और जो दूसरा स्टाफ है वो यहाँ पर बैठता है। तो एक बड़ी राहत की बात ये रही है कि अगर वक्त रहते इस आग की लपेट में कोई नहीं आया, क्योंकि अगर जिस जैसे आप देख रहे हैं विजुअल में कि अगर आग लगी हुई अगर इसमें कुछ लोग फंसे होते तो एक बड़ी घटना या दुर्घटना हो सकती थी। बिल्कुल, एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। हालांकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं दिल्ली के करकडूमा इलाके की, जहां के DGHS ऑफिस में ये भीषण आग लगी हुई है। आनंद तिवारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या DGHS का ही दफ्तर है या और भी ऑफिसेज हैं इस इमारत में? 6th फ्लोर पर जो आग लगी है वहाँ क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये DGHS का ही ऑफिस है पूरा और यहाँ पर जो सरकारी कामकाज है स्वास्थ्य विभाग का वो सारा कामकाज होता है। वर्किंग डे था आज और तमाम लोग जो दफ्तर के अंदर मौजूद थे, जो पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद था। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो गार्ड थे उन्होंने जब धुआं उठता देखा ऊपर के फ्लोर में, उसके बाद तुरंत जो यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं उसके जरिए दिल्ली फायर सर्विस को बुलाया गया है। फिलहाल जो तमाम अधिकारी हैं फायर सर्विस के करीबन 60, जैसा कि जो CPRO उन्होंने खुद बताया 60 फायर कर्मी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तमाम जो इक्विपमेंट है आग बुझाने के वो लेकर यहां पर दमकल विभाग की टीमें पहुंची हुई हैं और करीबन 22 से ज्यादा जो फायर टेंडर हैं वो यहां पर लगातार आग बुझाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, और आसपास का ये एरिया कैसा है, क्योंकि हालांकि 60 दमकल कर्मी जुटे हुए हैं, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग को काबू किया जाए, लेकिन जिस तरह की लपटें उठती हुई दिख रही हैं उससे क्या इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर जल्द से जल्द इसको काबू नहीं कर लिया गया, क्योंकि AC भी लगे हुए हैं, तो ये आग और भड़क सकती है? आनंद जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पास में बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्डिंग में आग लगी, उससे थोड़ी दूरी पर कड़कड़नुमा कोर्ट है, बाजू में पुलिस स्टेशन है आनंद विहार का और काफी रिहायशी इलाका है, पॉश इलाका है, वहां से मेट्रो भी जा रही है, तो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है और काफी पॉश इलाका है। और ये जो दफ्तर है ये काफी पुराना दफ्तर है यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का। यहाँ पे अब जो फायर विभाग है वो ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो तमाम फायर नॉर्म्स होते हैं क्या इस बिल्डिंग के अंदर थे या नहीं थे, ये पहली प्राथमिकता रहेगी जांच करने की। और उसके अलावा जो लोग अंदर थे जिन्होंने पूरी घटना देखी थी उनसे भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या कोई मेंटेनेंस की कमी रह गई है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ था किस तरह का, क्योंकि शुरुआत में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है इस आग की जो वजह है, जो दमकल विभाग से जानकारी मिल रही है, तो किस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या लापरवाही रही है, वो तमाम चीजें जानने की अब जो दमकल विभाग है और दिल्ली पुलिस है वो पता लगाने की कोशिश करेगी। आनंद, कितने बजे ये आग लगी थी और फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी कब तक पहुंचे?
जी देखिए, दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक 1:50 पर दिल्ली फायर सर्विस को ये सूचना दी गई थी, जो उनका कंट्रोल रूम है बाराखंबा में, और उसके बाद वहां से ये मैसेज जो है वो इलाके का जो कंट्रोल रूम है फायर का, वहां पे इसको सर्कुलेट किया गया मैसेज को। इसके बाद समय रहते दमकल विभाग की टीमें वहां पर पहुंच गई है। लोकल पुलिस जो था आनंद विहार थाना, जो कि मैंने आपको बताया बिल्कुल नजदीक में है, जो सादरा जिले में लगता है, वहां के पुलिस कर्मियों को मैसेज दिया गया, वो तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। गेट एम्बुलेंस की जो गाड़ी है एहतियातन वो वहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि कोई भी आग लगती है तो वहां पर एम्बुलेंस की गाड़ी को एहतियातन रखा जाता है कि कोई तरह की कैजुअलिटी या कोई अगर हताहत होता तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा जाए। तो ये तमाम जो पूरे जो इंतजाम है वो वहां पर प्रशासन कर रखे हैं, और अभी पहली प्राथमिकता है कि आपको जल्द से जल्द बुझा लिया जाए, उसके बाद आपके कारणों का पता लगाने की जो दमकल विभाग की टीमें और जो दिल्ली पुलिस है वो कोशिश करेगी। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ रहिए। दो तस्वीरें एक बार फिर दिखा दें, बता दें कि आखिर कहां पर ये भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके की, जहां पर मौजूद इस इमारत में भीषण आग लगी है। इस इमारत के 6वें फ्लोर पर ये आग लगी है। 22 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, पानी के जरिए कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस आग को काबू कर लिया जाए। आपको यह भी बता दें 60 दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग है। दो तस्वीरें बखूबी दिखा रही हैं, एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं धुएं का उठता हुआ गुब्बार, और दूसरी तस्वीर आग की ऊंची ऊंची लपटें। 1:50 पर यह आग लगी, दमकल कर्मियों को सूचना दी गई, दमकल विभाग को सूचना दी गई, फौरन फायर सर्विस के जो कर्मचारी थे मौके पर पहुंचे, 60 दमकल कर्मियों को लगाया गया, 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से आग बुझाने की कोशिश हो रही है, फिलहाल इस 1 घंटे के दरमियान 6वें फ्लोर पर लगी हुई ये आग ना तो ऊपर पहुंच सकी और ना ही नीचे। बताया ये भी जा रहा है कि जब ये आग लगी 50 से 60 के करीब लोग इस इमारत में काम कर रहे थे। ये इमारत दरअसल DGHS कार्यालय है जहां पर यह भीषण आग लगी। बताया यह भी जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह भीषण आग लगी थी। हालांकि जब जांच होगी पता चलेगा कि आखिर वजह क्या रही, किस वजह के चलते, किस कारण के चलते यह भीषण आग लगी, लेकिन फिलहाल भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू कर लिया जाए। गनीमत यह कि इस हादसे के बीच किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।